एक ही टाइम पे बहुत सारे सेल्स को एक साथ कलेक्ट कर लेते हो तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल रेंज, राइट। रेदर देन अ सिंगल सेल एड्रेस यू विल रिफर टू सेल रेंज यूजिंग द सेल एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट सेल, ठीक है। और उसको किससे सेपरेट करेंगे, बाई कॉलम, ठीक है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल देखिए, आपको सेल रेंज सेलेक्ट करनी थी, आपने A1 भी किया, A2 भी किया, A3 भी किया, A4 भी किया एंड A5 को आपने क्या करना है, सेलेक्ट करना है। आपने सबको सेलेक्ट कर लिया तो इसको शॉर्ट आप पूरे लिखने की जरूरत नहीं होगी, उसको आपको पहला लिखना है कौन सा पहला सेल है, कहाँ से स्टार्ट किया है और लास्ट सेल को लिखना है एंड बीच में किससे सेपरेट कर देना है, कॉलन से उसको क्या कर देना है, सेपरेट कर देना है, ओके। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ़ जो कॉलम है स्प्रेडशीट में लेबल्ड विद नंबर इंस्टेड ऑफ लेटर, अगर आपका एक एक्सेल ऐसा खुल जाता है जहाँ पे आपका कॉलम को नंबर से रिप्रेजेंट किया गया है एंड रो को आपको लेटर से लिखा गया है, तो यू विल नीड टू चेंज द डिफ़ॉल्ट रेफरेंस स्टाइल फॉर एक्सेल। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिफ़ॉल्ट रेफरेंस स्टाइल सेलेक्ट करनी पड़ेगी एक्सेल के लिए, ठीक है। नाउ व्हाट इफ़ यू वांट टू एडिट और डिलीट टेक्स्ट, अगर आप किसी टेक्स्ट को एडिट करना चाह रहे हो या उसको डिलीट करना चाह रहे हो तो वो कैसे होगा, राइट। सो फॉर दैट यू हैव टू फर्स्ट सेलेक्ट द सेल, आप सबसे पहले सेल को सेलेक्ट करोगे। आफ्टर सेलेक्टिंग द सेल यू हैव टू की प्रेस बैकस्पेस की फ्रॉम द कीबोर्ड, राइट, एंड देन प्रेस डिलीट की टू डिलीट द एंटायर कंटेंट ऑफ द सेल, ओके। नाउ यू कैन ऑल्सो मेक चेंजेस टू एंड डिलीट फ्रॉम फार्मूला बार, आप फार्मूला बार में भी जाके उस सेल के कंटेंट को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। वो कैसे होगा, जिस भी सेल का कंटेंट चेंज करना है उस सेल पे जाके क्लिक करना है एंड जैसे उस पर क्लिक करोगे जो भी उस सेल का कंटेंट होगा या डेटा होगा वो आपको फार्मूला बार में दिखाई देगा, ठीक है। तो आप वहाँ पे जाके क्या कर सकते हो, इसमें चेंज कर सकते हो, ओके। अब ये कैसे करेंगे इसको हम लोग देख लेते हैं एक बार प्रैक्टिकल करके। जैसे कि आपका फॉर्मूला, ये आपकी वर्कबुक खुल गई, सपोज़ करिए यहाँ ये हमने क्लिक किया, यहाँ पे देखिए जो भी हमने क्लिक किया उसका आपको सीधा आपको दिख रहा है कि नेम बॉक्स में वो आपकी स्क्रीन पे आ गया, ठीक है। आपने सेल पे डबल क्लिक किया एंड जो भी आपको टाइप करना है आपने यहाँ पे क्या किया, उसको टाइप किया। और खास बात देखिए, जो भी आप यहाँ टाइप कर रहे हो वो फार्मूला बार में भी क्या कर रहा है, शो कर रहा है, राइट। तो आप चाहो तो यहाँ फार्मूला बार में जाके उसको क्या कर सकते हो, डिलीट कर रहे हो। देखो जो भी आप डिलीट कर रहे हो वो इसके अंदर भी चेंज आ सकता है, ठीक है। किसी भी सेल में एंटर करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल उस सेल को सेलेक्ट करना है। जैसे सेलेक्ट करोगे आपको पता कैसे चलेगा, वो पूरा हाईलाइटेड हो जाएगा, जैसे वो रेक्टेंगुलर बॉक्स क्या हो जाएगा, पूरा हाईलाइटेड होगा, जैसे इस केस में हो गया है, ओके। एंड देन आप कीबोर्ड से टाइप करोगे वो डेटा आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, वो आपके उस सेल में टाइप हो जाएगा, राइट। एंड अगर आप चाहो तो यहीं से आपको दिख रहा है आपका कर्सर ब्लिंक करता हुआ, आप कीबोर्ड से बैकस्पेस की यूज़ करके आप उस सेल से डायरेक्ट हटा सकते हो या फॉर्मूला बार में जाके वहाँ पे क्लिक करके आप वहाँ से बैकस्पेस की दबाओगे कीबोर्ड से तो भी डेटा आपका क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो डेटा एंटर करना है तो किसी जिस सेल में एंटर करना है उसको क्लिक कर दोगे हाईलाइटेड हो जाएगा एंड कीबोर्ड से वो आप टाइप कर दोगे तो वो डेटा आपका वहाँ चला जाएगा। सेकेंडली, जिस भी सेल पे एंड आपको अगर डेटा डिलीट करना है तो सेल पे क्लिक करके या फॉर्मूला बार पे क्लिक करके आप उसको चेंज कर सकते हो, ओके। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा, ओके, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज टू मूव थ्रू अ वर्कशीट यूजिंग कीबोर्ड। कीबोर्ड की मदद से यूज करके हम लोग कैसे एक वर्कशीट्स में मूव करेंगे, राइट। फॉर दैट यू हैव टू डू व्हाट, सबसे पहले आपको टैब की प्रेस करनी पड़ेगी टू राइट ऑफ सेलेक्टेड सेल। आपने जो भी सेल सेलेक्ट किया है अगर उसके राइट हैंड साइड में आपको मूव करना है तो उसके लिए आपको टैब की यूज़ करनी पड़ेगी, ओके। अदरवाइज यू कैन यूज शिफ्ट की एंड देन टैब की टू मूव टू द लेफ्ट ऑफ अ सेल। जो भी आपने सेलेक्टेड सेल यूज़ किया है अगर उसके आपको लेफ्ट में जाना है, फॉर दैट यू हैव टू प्रेस शिफ्ट की एंड देन टैब की। शिफ्ट की दबा के टैब की दोनों साथ में दबा के वो आपको लेफ्ट हैंड साइड में ले आएगा, ठीक है। दो और बटन्स और होते हैं, पेज अप एंड पेज डाउन। इसकी मदद से आप वर्कशीट्स में नेविगेट कर सकते हो। और एक ऑप्शन है एरो की मदद से भी आप क्या कर सकते हो, एक वर्कशीट में आप मूव कर सकते हो, ठीक है। तो दीज आर द वेज विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन मूव इन अ वर्कशीट विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड, ओके। मूविंग ऑन,
टू सेव द वर्कबुक, आपने मान लो वर्कबुक बनाया, उसमें डेटा इंटर किया एंड बहुत इंपॉर्टेंट डेटा था, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू शुड सेव द डेटा। आपको डेटा क्या करना होगा, सेव करना होगा, अदरवाइज व्हाट विल हैपन, आपने जितनी भी मेहनत की वो मेहनत सब क्या हो गई, बेकार हो गई, ठीक है। तो उसको आपको क्या करना है, मूव करना है, राइट। ओके, आई होप ये समझ में आया होगा। नाउ मूविंग ऑन, सो इफ़ यू वॉन्ट टू सेव द वर्कबुक, वॉट आर द स्टेप्स फॉर दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट बटन, जैसे आपको यहाँ पर फिगर में दिख रहा है ये माइक्रोसॉफ्ट बटन है, इस पर आपको लेफ्ट क्लिक करनी है, ठीक है। देन यू हैव टू आदर सेलेक्ट सेव और सेव एज, ठीक है। सेव एज क्या करती है, अलाउ करती है आपको कि आपने जो भी नेम रखा है फाइल का उसको वापस से चेंज कर सको, और जो भी फाइल की लोकेशन है आप उसको भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। चूज सेव एज इफ़ यू लाइक टू सेव द फाइल फॉर द फर्स्ट टाइम। सेव एज को आप क्या करोगे, यूज़ करोगे कब, जब आप फर्स्ट टाइम पे यूज़ कर रहे हो, ठीक है। सेलेक्ट सेव, अगर फाइल का आपने ऑलरेडी एक नेम दे रखा है फॉर दैट, उसके लिए आप क्या कर लोगे, फिर सेलेक्ट सेव कर लोगे, ठीक है। बट अगर आप नेम देना चाह रहे हो, उसकी लोकेशन चेंज करना चाह रहे हो, फॉर दैट यू आर गोइंग टू यूज सेव एज, ठीक है। जैसे आपके यहाँ स्क्रीन पे भी दिख रहा है, कैसे करेंगे, यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करेंगे, सेव सेव एज का ऑप्शन आएगा, डिपेंड ऑन यू कि हाउ आर यू वॉन्ट टू सेव इट, ओके। यू कैन सेव अ वर्कबुक इन मैनी वेज, बट द टू मोस्ट कॉमन आर एज एक्सेल वर्कबुक विच सेव्स इट विद द 2007 फाइल एक्सटेंशन, एंड एन एक्सेल 97 2003 वर्कबुक विच सेव द फाइल कंपेटेबल फॉर्मेट, सो पीपल हु हैव अर्लियर वर्जन ऑफ एक्सेल कैन ओपन द फाइल, ओके। ओके, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज हाउ वी आर कैन क्रिएट अ सिंपल फॉर्मूला। अगर आपको सिंपल फॉर्मूला बनाना है तो कैसे क्रिएट करेंगे, बिकॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एक्सेल इज वी कैन परफॉर्म कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए हमारे पास फॉर्मूलाज होने चाहिए, राइट। तो विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन यूज डिफरेंट फॉर्मूलाज, राइट। सो एक्सेल कैन बी यूज टू कैलकुलेट एंड एनालाइज न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन, हाउ एवर यू विल नीड टू नो हाउ टू राइट फॉर्मूला टू मैक्सिमाइज एक्सेल कैपेबिलिटीज, राइट। एज वी नो कि एक्सेल आर यूज फॉर परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस, तो वी शुड नो हाउ वी आर गोइंग टू यूज फॉर्मूला फॉर बेटर परफॉर्मिंग फॉर मैक्सिमम एक्सेल कैपेबिलिटी। इफ यू टॉक अबाउट फॉर्मूला, अ फॉर्मूला इज अ सिंपल इक्वेशन दैट परफॉर्म्स अ कैलकुलेशन यूजिंग वैल्यूज इन द वर्कशीट। फॉर्मूला होता है एक तरह का इक्वेशन होता है, और यू कैन से एक्सप्रेशन होता है जो एक कैलकुलेशन परफॉर्म करता है। कैलकुलेशन किस पे परफॉर्म करेगा, जो सेल के अंदर डेटा होगा उस पे वो कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा, ओके। इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू लर्न हाउ वी कैन डू दैट, ओके। मूविंग ऑन, सो एज यू कैन सी इफ यू वॉन्ट टू क्रिएट अ फॉर्मूला ऑफ एडिंग टू नंबर्स, अगर आपको ऐसा फॉर्मूला क्रिएट करना है जिसमें आपको दो नंबर्स को ऐड करना है, तो वो कैसे होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लिक द सेल जहाँ पे फॉर्मूला डिफाइंड है, ठीक है। पहले आपको क्या करना है, सेल पे क्लिक करेंगे जहाँ पे आप चाहते हो कि उस फॉर्मूले का आंसर आए, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल के उन्होंने क्या मान लिया, C5, ओके। फिर टाइप इक्वल साइन टू एक्सेल नो, टू लेट एक्सेल नो अ फॉर्मूला इज बीइंग डिफाइंड। जब आप फॉर्मूला बार में जाते हो तो सबसे पहले यू हैव टू पुट इक्वल साइन एंड देन यू हैव टू राइट दैट। ये जो इक्वल साइन होता है ना, ये एक्सेल को बताता है कि इसके बाद जो भी लिखने जा रहे हैं हम वो फॉर्मूला है। अगर आप यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं लिखते हो तो जो भी आप इस फॉर्मूला बार में लिखोगे वो उसको एक टेक्स्ट की तरह ट्रीट करेगा कि ये एक टेक्स्ट लिखा हुआ है। बट यहीं पे आपने इक्वल का साइन लगा दिया तो ट्रीट करेगा क्या है, ये एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, ओके। देन टाइप द फर्स्ट नंबर टू बी एडेड, पहले नंबर जो टाइप करना है उसको आप जिसको ऐड करना है वो टाइप करोगे, ठीक है। देन ऐड का साइन लगाओगे, यहाँ जैसे दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे, आपने क्या किया, प्लस का साइन लगाया। देन सेकेंड नंबर लिखा उन्होंने जो उसको ऐड करना है, ठीक है। जब ये हो गया तो उसके बाद इंटर की प्रेस की, ठीक है, या इंटर बटन फॉर्मूला बार से प्रेस किया। जैसे आपने फॉर्मूला बार इंटर प्रेस किया, उसका जो भी आंसर होगा 1700 होगा ना, तो 1700 विल ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। इसका ये प्रैक्टिकली करके एक बार देख लेते हैं। एक्सेल हम लोग ओपन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए हमने C5 में लिख दिया, या C1 में लिख दिया हमने 100, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 250, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिखा, 564।
हमेशा याद रखिएगा जो भी फॉर्मूला बार होता है उसमें हम लोग सेल एड्रेस लिखते हैं, क्या लिखते हैं सेल एड्रेस, हमने यहाँ लिखा 564। अब हम मानते चाह रहे हैं कि यहाँ पे स्टोर हो, तो हमने वहाँ पे क्लिक किया, फिर फॉर्मूला बार पे गए, वहाँ पे हमने